दोस्तों हम आज बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जो शायद कौरवों की तरफ से लड़ते तो महाभारत के पूरे परिणाम को ही बदल कर रख देते। तो दोस्तों बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तरीका सिर्फ ये रहेगा कि आपको ये बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे ऑल कर दीजिएगा। इससे आप मेरे सारे वीडियो को एट ए टाइम अपडेटेड रूप से देख पाएंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे महाभारत के पात्र यालंबर के बारे में, जिन्हें आप सभी बर्बरिक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यालंबर किरात साम्राज्य के पहले राजा और किरात योद्धा के रूप में लगभग 800 ईसा पूर्व नेपाल में शासन करते थे। इनकी राजधानी थानकोट, जो कि केंद्रीय नेपाल में स्थित है, वहाँ थी। इनका साम्राज्य त्रिशूली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक फैला था। महाकाव्य महाभारत में किरात और मलेच्छा जनजाति का वर्णन मिलता है दोस्तों। इन्हें उत्तरी जनजाति के रूप में बताया गया है। आर्यवर्त के राजाओं को इन जनजातियों के साथ सामंजस्य बनाने में कठिनाइयाँ होती थी। दोस्तों नेपाल में इस किरात राजा यालंबर को महाभारत के बर्बरिक पात्र, जिन्हें घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता माना गया है। आप सभी को शायद यह बात पता होगी कि महाभारत की लड़ाई में राजा यालंबर सिर्फ कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके थे। तो दोस्तों साथ ही साथ इनके पास तीन तरह के बाण थे, जो आज के समय के लेजर गाइडेड मिसाइल से कम नहीं है। इन बाणों की क्षमता कृष्ण भगवान को पता थी और उन्हें यह डर था कि अगर यालंबर कौरवों की तरफ से लड़े तो शायद पांडवों का नाश हो जाएगा। तो इस दुविधा से मुक्त होने के लिए वासुदेव कृष्ण ने सटीक कूटनीति का उपयोग करते हुए यालंबर से उसका शीश मांग लिया। महाभारत के युद्ध में भाग लेने के उद्देश्य से आए यालंबर को इस शीश त्याग के बाद महाभारत युद्ध को देखने की प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण वासुदेव कृष्ण ने यालंबर के शीश को ऐसे स्थान पर रख दिया जहां से वह महाभारत की पूरी लड़ाई देख सकें। इनके इस शीश दान के कारण नेपाल में इंद्र यात्रा पर्व मनाया जाता है, जिसमें इन्हें आकाश भैरव के रूप में पूजा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें राजस्थान में खाटू श्याम जी तथा गुजरात में बलिया देव के नाम से भी पूजा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि महाभारत में ऐसे दो ही पात्र थे जिन्होंने महाभारत युद्ध को लड़ा नहीं, सिर्फ देखा, जिनमें से एक थे राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय और दूसरे थे किराती राजा यालंबर, जिन्हें बर्बरिक भी कहा जाता है। किराती राजवंश में राजा यालंबर के बाद इनकी 31 पीढ़ियों ने काठमांडू घाटी में शासन किया, जो कि आज के समय में नेपाल की राजधानी है दोस्तों। पूरे किरात वंश का शासन लगभग 1225 वर्ष तक चला। इनके सभी राजाओं की सूची मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी महाभारत के पात्र यालंबर अर्थात बर्बरिक के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलूंगा मैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।